रीडर भारत रिपोर्टर सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। पता चला क्योंकि बाइक चला रहे हो ना आप, तो आप इधर उधर पूछते चलोगे, थोड़ा सा प्रत्याशियों के बारे में पूछोगे तो पता तो चल ही जाएगा। मैंने पूछा किसी से कि भाई त्रिवेंद्र सिंह रावत कहाँ हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और बड़े लंबे दिनों बाद कम बैक हुआ है उनका, और इसीलिए उनसे बातचीत करना तो बनता है। तो किसी ने बता दिया यही पास में जो है वो कर रहे हैं अपनी एक सभा, तो हमने कहा क्यों ना चला जाए। चुनावी समर में हम आगे बढ़ रहे हैं और हम जब पहुंचे हरिद्वार तो वहां से यहां के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हमारे साथ मौजूद हैं। हमने कहा कि चलते फिरते आपने सब जगह बातचीत देखोगे, क्यों ना कैरम इस तरीके सजाया जाए। मौजूदा विधायक भी हमारे साथ में यहाँ पर है। त्रिवेंद्र जी, कैरम सजाया है हमने आपके लिए, क्या लग रहा है यहाँ तो यहाँ तो आपने आते ही गोटी मार दी, लेकिन सामने आप ही के विधायक है, अगर कोई और होता तो ये तो खेल है। मुख्यमंत्री थे और सडनली वो आया कि आपको इस्तीफा देना है, सबके मन में सवाल था कि कमबैक कैसे होगा त्रिवेंद्र जी का, ये जो आपका पेशेंस आया उसी से कमबैक हुआ है? नहीं, पेशेंस तो देखिए राजनीति में हो या समाज में परिवार में रखना ही होता है, अगर पेशेंस नहीं होगा तो घर में भी विवाद होंगे, तो राजनीति तो विवादों का केंद्र ही होती है, इसलिए पेशेंस से ही काम चलता है। जीवन में कभी भी आगे बढ़ना है तो उससे ही आगे बढ़ा जा सकता है। नहीं, क्या कोई आश्वासन उस दौरान दिया गया था कि अभी आप बैठी है, आगे आपकी तैयारी कर रहे हैं? ऐसा है, हमने कभी न आश्वासन मांगा और न कभी टिकट मांगा, काम करते हैं। ये भी नहीं पता था इस बार टिकट मिल रहा है यहाँ से? बिल्कुल नहीं था पता, प्रयास करते हैं अपना काम इसी करते तरह हैं। कोई गोटी तो चूज कर रखी होगी, पब्लिक के बीच में जाते हैं और पब्लिक, मेरा ये मानना है कि कोई भी जनप्रतिनिधि अगर बनना चाहे तो पब्लिक वॉइस होनी चाहिए, पब्लिक है कि हाँ भाई ये हमारा विधायक बनना चाहिए, हमारा एक स्ट्राइक और ले लीजिए। सर आप बहुत शानदार खेल रहे हैं, हालांकि आपने कहा था एक दो स्ट्राइक ही लूंगा, लेकिन दिलचस्प हो गया ना, देखना चाहिए ना इस तरीके से खेल रहे हैं, तो स्ट्राइक दे दें इनको। बिल्कुल नो डाउट इसमें है कि वो आप ये सेट कर। अच्छा एक चीज और बता दूं, ये गोटियां आप ही ने सेट की थी? ये जिस तरह से त्रिवेंद्र जी लगातार नहीं ये गोटियां, लेकिन इन्होंने सेट की थी कर रहे हैं, और उससे साबित होता है कि ये विक्ट्री की तरफ बहुत बड़ी वो है। ये गोटियां आपने सेट की थी, लेकिन अब ये जो विपक्षी देखेंगे ना इसको तो कहेंगे गोटियां तो त्रिवेंद्र जी ने लगाई थी, तो जानी थी। देखिए जिसको फर्स्ट हैंड होता है उसको लगाने का शतरंज के खेल में नियम कायदों में उसी को लगाना होता है, अब जो जीतेगा वो फिर वो लगाएगा। हमारे साथ में थे भारतीय जनता पार्टी के हरिद्वार से प्रत्याशी और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। TVS रीडर भारत रिपोर्टर सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर।